गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी फॉर अ स्टैंडर्ड सेकेंड, चैप्टर नंबर 8, तितली और कली। तितली और कली, तो इसमें देखिए, इस जो हमारी जो पोयम है इसमें तितली और कली है। ठीक है, तितली आप जानते ही हैं बटरफ्लाई, और कली यानी कि बर्ड। ठीक है, यानी कि जो फूल जब पता है खिलता है तो पहले ऐसे बर्ड बनता है, फिर वो जो है फूल इसी से खिलता है तो वो क्या बन जाता है, फूल बन जाता है, यानी कि फ्लावर बन जाता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें तितली और कली के बीच में क्या कनेक्शन है और ये लोग क्या आपस में बात करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। आपको पोयम का मतलब समझ में आया बच्चों? जी हाँ, इसमें ये जो तितली है यानी कि ये जो बटरफ्लाई है, ये जो है इस कली से क्या कह रही है कि तुम लगती हो बड़ी भली। भली मीन्स होता है अच्छी, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, भोले लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, कली यानी कि ये हमारी बर्ड। तो ऐसा है कि एक जो है हरी जो डाल थी उस पर एक कली लगी हुई थी, तितली वहाँ से उड़ रही थी, उसने उस कली को देखा और उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, यानी कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो का मतलब, जब ये कली जो है अभी ये क्या है, ये बर्ड है, ठीक है, और फिर जब ये खिल जाएगी तो इनकी जो सारी पंखुड़ी होती है, यानी जो आपको पता है ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, यानी कि ये जग जाएगी। जैसे आप अपनी आंखें खोलते हो ऐसे ये जो बर्ड्स होती हैं, ये अपनी जो इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं ये जब वो खोल देती हैं तो क्या हो जाती हैं, ये जग जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें वो कह रही है कि तुम जग जाओ। जग जाओ का मतलब यहाँ पर है कि वो कली से कह रही अब तुम जग जाओ, यानी कि अब तुम फूल बन जाओ, और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो यानी कि हमारे साथ खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, यानी कि जब फूल खिल जाता है तो वो क्या देने लगते हैं, हमको महक देने लगते हैं, महके सारी गली गली, और इनकी खुशबू से, और इसकी खुशबू से सारी गली जो क्या हो जाए, गली यानी कि जो है गलियां तो आप जानते ही होंगे ना, आपके घर के भी अंदर भी गली गली होती है, यानी कि जो पतली पतली रोड नहीं, जो अंदर साइड पतली सी गलियां होती हैं, रोड पतली पतली जो रोड होती हैं उन्हें हम गली कहते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली जो है खुश हो गई एकदम से, और उसने अपनी सारी पंखुड़ियों को खोल दिया। क्यों खोल दिया, तुरंत खेल की सुनकर बात, क्योंकि उसको लगा अरे तितली मुझे खेलने के लिए बुला रही है, और वो जो है फटाक से उसने अपनी सारी पंखुड़ियाँ खोल देती है और वो जग जाती है। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली, और तितली जो क्या है वो हवा के साथ जो है भागने लगी, तितली छूने उसे चली, और जो तितली जो है उसको छूने चल देती है। तो इसकी जो पोयम है हमारी तितली और कली, तो आई होप आपको इसका जो है समरी है वो क्लियर हो गई होगी कि एक तितली है जो कली को देखकर कह रही है कि अब तुम जग जाओ, यानी कि अब तुम खिल जाओ, और अपनी सुगंध से सारी गलियों को महका दो, है ना। और कली भी क्या होती है कि खेलने की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो जग जाती है, यानी कि अपनी सारी पंखुड़ियाँ खोल देती है। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली, और जो है तितली जो है हवा के साथ साथ भागने लगती है, किसको, हवा को छूने के लिए, हवा को छूने के लिए यानी कि उसकी जो खुशबू
जो फ्लावर की जो खुशबू है वो भी हवा में जो है पूरी मिल गई है और तितली उसे छू लेना चाहती है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि तितली जो है वो फूलों के ऊपर बैठकर उनका रस भी पीती है ना, उनका रस पीती है और जो है उसको रस पीने में मज़ा बहुत आता है। आप कभी भी देखिएगा कहीं जहाँ किसी गार्डन में अगर आप जाते हैं और जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगे रहते हैं तो वहाँ पर ये तितलियाँ जो होंगी वो ज़रूर होती हैं और वो फूलों पर बैठकर उनका रस चूसती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारी तितली और कली पोयम थी। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए जो जो इसमें जो मात्राएं हैं मोस्ट ऑफ हम सारी मात्राएं ये सीख चुके हैं, जैसे कि ये देखिए छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो ये सब मैंने मात्राएं आपको सिखाई हुई हैं। ये देखिए बड़े ऊ की मात्रा है, तो अब आपको इसको जो है आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए। देखिए का में ए की मात्रा है, ये जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये ए की मात्रा तक सिखाया हुआ है ना, तो चलिए अब इसको आप पढ़ने की कोशिश घर पे ज़रूर कीजिएगा और हम अपने हार्ड वर्ड्स कर लेते हैं। डाल, नन्ही, सुंदर, कली, तितली, भली, लगती, जागो, आँखें, सुंदर, महक, गली, छिटककर, खिली, तुरंत, सुनकर, भागने, छूने। ठीक है, आपको ये जो हार्ड वर्ड्स है आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है और बोल के लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस पोयम। ओके, सबसे पहले आपको ये पोयम लिखनी है, उसके बाद आपको ये जो मैंने अंडरलाइंस करे हैं आपको ये क्या करने हैं, इसके हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में आपकी लिखने हैं। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज में पता है ना, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यही है कि आपको इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए रंगीली पे भी आप कर लीजिएगा, रंगीली भी है। ठीक है, तो ये हमारे हार्ड वर्ड्स हो गए हैं, आपको इसको अपनी नोटबुक में बोल कर लिखना है और ये पूरी पोयम लिखनी है। आप जो है अपनी बुक में जो है ऐसे ये तितली की पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो जिससे नोटबुक देखने में बहुत सुंदर लगेगी, या फिर आप इसमें पेस्ट भी कर सकते हो ना, कोई पिक्चर लाके आप इसमें तितली और अगर ऐसे बर्ड हो तो आप उसकी जो है पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो एंड आप ड्रॉ भी कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक इट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर सराउंडिंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय किड्स।